वेलकम बैक टू क्लास क्लास 9. लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? वी हैव स्टडीड अबाउट द बेसिक कॉम्पोनेंट्स, जिसमें हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी किया था, साथ में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, अलॉन्ग विद ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट द सेल डज. सो इस लेक्चर में हम वील, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वील स्टार्ट इज सेल वॉल. इसके बारे में मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई थी. बेसिक क्या है? दैट सेल वॉल इज अ रिजिड, ट्रांसपेरेंट एंड कम्प्लीटली परमिएबल स्ट्रक्चर. कम्प्लीटली परमिएबल का मतलब समथिंग दैट अलाउज इट कम्प्लीटली. मतलब परमिएबिलिटी के तीन टाइप्स थे: सेमी परमिएबल, जो थोड़ा बहुत अलाउ करे, इम्परमिएबल, जो कुछ ना अलाउ करे, और कम्प्लीटली परमिएबल मतलब जो सब कुछ अलाउ करे. सो सेल वॉल इज रिजिड, ट्रांसपेरेंट एंड अ कम्प्लीटली परमिएबल स्ट्रक्चर. फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ, यस, फाउंड इन प्लांट सेल. और यही रीजन है जिसके वजह से इसको हम बेसिक कॉम्पोनेंट नहीं बना पाए, अदरवाइज सेल ही, सेल वॉल ही हमारे सेल्स का बेसिक कॉम्पोनेंट बनता. सो बेसिकली तीनों टर्म्स का मतलब आपको समझ में आया ना? बनता कैसे? इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज रिजिड. तो बेसिकली इसका फंक्शंस पे बाद में आएंगे. फर्स्ट सेल भी पहले सारी चीज़ें अलाउ कर रहा है, रिजिड है, ट्रांसपेरेंट है. कंपोज किस किस चीज़ों से होता है? आपने अभी तक सुना होगा सेल्युलोज, सेल्युलोजिक सेल वॉल. फिर लास्ट ईयर सेल्युलोज, जब हम लोग फंजाई पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है. सो इट कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ काइटिन, इट कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. ये सारे के सारे बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ये तो वो मॉलिक्यूल्स है जिससे ये बन रहा है. अब बन रहा है इस तरीके से कि रिजिड है, तो फंक्शंस क्या क्या होंगे इसके? पहला फंक्शन ऑब्वियसली हो जाएगा प्रोटेक्टिंग. सो इट विल प्रोटेक्ट द सेल, विच सेल? प्लांट सेल. दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ को अलाउ कर रहा है, यानी कि उसके परमेबिलिटी से कोई बहुत स्पेशल फंक्शन नहीं होगा, लेकिन अंदर की जो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट तो कर रहा है, साथ ही साथ रिजिडिटी भी दे रहा है. तो इट विल अगेन प्ले द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल. तीसरा कुछ, जो भी सब्सटेंसेस अलाउ हो रहे हैं उनका फर्स्ट पैसेज तो यही दे रहा है ना, प्लांट सेल्स के ही केस में, जहाँ पे ये है फर्स्ट पैसेज, इन द सेंस कि पहला एनकाउंटर उनका किससे होगा? सेल वॉल से. तो एक्सटीरियर है सबसे ज़्यादा, एक्सटीरियर मोस्ट इन प्लांट सेल. सो फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद एनीथिंग दैट एंटर्स वो सेल वॉल से होता है. तो बेसिकली जो सेल वॉल है, दैट इज इन प्लांट सेल, जिसमें भी होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सम स्पेसिफिक बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स, जिनका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली सेल को, सेल का शेप मेंटेन करना, टर्जिडिटी मेंटेन करना. टर्जिडिटी मतलब कितना वो, कितना मूवेबल है, कितनी चीज़ें उससे पार हो सकती हैं, दैट इज़ द टर्जिडिटी. फ्लैसिड और टर्जिड दो टर्म्स होते हैं. टर्जिड होने का मतलब कोई चीज़ हल्की हार्ड हो जाए, फ्लैसिड होने का मतलब सॉफ्ट हो जाए. सो दैट टर्म्स. उसके बाद तो बेसिक फंक्शन इसके यही हो जाते हैं. अगर अब आपको मैं बोलूँ कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एक डिफ्रेंशिएशन मुझे करके दो, तो क्या बताएंगे आप? सबसे पहला, सेल वॉल इज, ये चीज़ तो हम भूल ही गए, इट इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. नॉन लिविंग क्यों कह रहे हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल दीज बायोकेमिकल थिंग्स. जब हम वो पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे हमने देखा था कि दे आर स्ट्रक्चर्स जिसमें प्रोटीन है, वो ट्रांसपोर्ट भी करिए, दैट मीन्स कि वो एक एक्टिव मॉलिक्यूल से बनी है. यहाँ पे कोई भी एक्टिव मॉलिक्यूल हमें देखा अभी तक इसके फंक्शन में? नहीं. तो सेल मेम्ब्रेन ऑटोमेटिकली एक लिविंग चीज़ हो जाती है, पहला डिफरेंस. ठीक, ये रिजिड था. सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सॉफ्ट नहीं होती है बेटा. सॉफ्ट क्यों होगी? फ्लेक्सिबल होती है. ये कंप्लीटली परमिएबल थी. सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है. सेमी परमिएबल होने का मतलब सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें अलाउ करेगी. इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि द फॉर्मेशन इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज, काइटिन, पॉलीपेप्टाइड एट्सेट्रा. यहाँ पे चीज़ें किसकी बनी होंगी, किसकी बनी थी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में? फॉस्फोलिपिड्स एंड
कुछ प्रोटीन्स। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर का। उसके बाद जो सेल वॉल होता है दैट इज दी इट कैन बी आउटर मोस्ट, तो ये हमेशा आउटर मोस्ट होगा, जहाँ पे भी कहीं होगा ये आउटर मोस्ट होगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन अगर प्लांट सेल का है तो सेकेंड लेयर हो जाएगी, सेकेंड लेयर समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट तो ये हो जाएगा ना, और अगर एनिमल सेल का है तो इन दैट केस आउटर मोस्ट हो जाएगी। सो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए। फंक्शनिंग के डिफरेंसेस आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन का अपना फंक्शन है, प्लस सेल वॉल का अपना। क्या पूछ रही थी बोलो आचल? हाँ, टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी जो मैं बोल रही थी ना, वो उसी टर्म से होता है। सेल वॉल कम्प्लीटली रिजिड है, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट कैन चेंज ना, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होगी। सेल मेम्ब्रेन अगर नहीं है तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म का सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोल्यूशन जो भी चेंजेस होने हैं वो ओवरऑल सेल में होते हैं, किसी एक पार्ट में नहीं होते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन सारे में, आइसोटोनिक छोड़ के, हाइपो में क्या था, इट वॉज स्वेलिंग, वो बढ़ जा रही थी। क्यों? कंसंट्रेशन मूवमेंट के वजह से। हाइपरटोनिक में इट वॉज श्रिंकिंग, छोटी हो जा रही थी। सेल वॉल के केस में सेल वॉल अपना सेल वैसे ही रहेगा, सपोज ये सेल वॉल है ऐसे ही रहेगा, जो प्रोटोप्लाज्म है दैट विल श्रिंक एंड कम समवेयर इन द नॉर्मल शेप। याद है आपको जब पहली कॉर्क सेल डिस्कवर हुई थी तो क्या था, अंदर तो कुछ नहीं था लेकिन उसके सेल वॉल्स तो वैसे ही थे। रॉबर्ट हुक ने जो स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया था। तो इन केसेस में क्या होता है, जो आप पूछ रहे हैं, अगर सेल वॉल वाली सेल को डाला गया है किसी भी सॉल्यूशन में तो जो भी चेंजेस होने हैं वो होंगे। सेल अगर स्वेल कर रही है तो पूरी की पूरी सेल इस शेप में आएगी, अगर श्रिंक कर रही है तो सेल वॉल यहीं रहेगा, जो प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल वो श्रिंक होकर यहाँ आ जाता है। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है? हाँ, प्लाज्मोलिसिस, द श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इतना समझ में आया? सो वी आर डन विद दिस। इसके बाद वील स्टडी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का भी बहुत बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर विच कंटेन्स, तीन चीजें कंटेन करता है ये, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन्स। इन तीन चीजों को कंटेन करने वाला जो फ्लूइड है वो होता है साइटोप्लाज्म। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? अ जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर। जेली लाइक होना इसका क्यों जरूरी है? बिकॉज सॉलिड होगा तो चीजें मूव नहीं कर पाएंगी, लिक्विड होगा तो चीजें स्टे नहीं करेंगी। तो इट इज नॉट इन बोथ द स्टेट्स, दोनों के बीच के एक स्टेट में होती है। इट इज जेली लाइक, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, साइटोसोल जो इसका फ्लूइड कॉम्पोनेंट है, जो चीज साइटोप्लाज्म बना रहा है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, द फ्लूइड कॉम्पोनेंट। ठीक, दूसरी होती है सेल ऑर्गेनेले। सेल ऑर्गेनेले क्या होती हैं बोलो? द सब कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल। हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो सपोज एक कोच में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स रहते हैं ना, और एक कंपार्टमेंट में 6 से 8 सीट्स रहती हैं डिपेंडिंग ऑन द कोचेस। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब यूनिट्स हैं सेल के। अभी आपने जो सेल न्यूक्लियस पढ़ा था, न्यूक्लियस क्या है? सेल ऑर्गेनेल ही तो है। तो सेल की जो चीज़ें सेल को कंपोज कर रही हैं वो उसका सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो दूसरी चीज़ होती है सेल ऑर्गेनेल, और तीसरी चीज़ होती है सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स आर द फ्रीली फ्लोइंग स्मॉल माइक्रोस्कोपिक बॉडीज इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जो बहुत ही बेसिक फंक्शंस फ्लो करते हैं, बहुत ही माइन्यूट टाइनी साइज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, तो ये तीन चीज़ हो गए, साइटोसोल जो कि पूरा का पूरा साइटोस्केलेटन बनाता है। स्केलेटन का काम क्या होता है? बॉडी को शेप देना होता है ना हमारे काम में, हमारे बॉडी में। उसी तरीके से सेल को एक फिक्स शेप कौन दे रहा है? अगर ये सेल मेम्ब्रेन होती और इसको साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होता तो ये वॉल इतनी स्टिफ रहती? हमें पता है सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या इतनी एक शेप में रहती, इतनी कॉन्स्टेंट? ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का काम कौन कर रहा है? साइटोप्लाज्म। तो इट इज़ एक्टिंग एज अ स्केलेटन टू द सेल ना, पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को कनेक्ट करने का काम। अब बीच में कहीं पे भी सपोज न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस अपने जगह पे कैसे है? इट इज़ एक्टिंग एज अ स्केलेटन टू द सेल। कौन?
साइटोप्लाज्म. सो दैट इज वाई साइटोसोल या फिर द फ्लूइड कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइटोस्केलेटन, यानी कि सेल का स्केलेटन. ठीक है, साइटोटर्म जहाँ पर भी आएगा हम किसकी बात कर रहे होंगे, सेल की. सो इतना समझ में आया आपको. साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, इट गिव्स अ फ्लूइड कॉन्टेंट टू द सेल एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम. दूसरा, जितने भी सेल ऑर्गेनाइज है उन्हें रहने की या फंक्शन परफॉर्म करने की स्पेस प्रोवाइड करना. तीसरा, जो भी सेल्स की फ्लूइडिटी, मतलब सेल्स अगर बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती पूरी सॉलिड, तो स्ट्रक्चर उनका लिविंग स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल होता. हमने अभी आप पढ़ेंगे टिश्यूज, आप पढ़ रहे हैं अपने दूसरे लेक्चर्स में, इसमें अभी आप पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज के बारे में. दे आर डेड एंड हार्ड रिजिड टिश्यूज, और जहाँ पर वो होती हैं वो डेड कहलाती हैं. इन्हें लिविंग, दे आर रिजिड, तो उस उन केसेस में क्या होता है, उनका सेल वॉल इतना थिक हो जाता है कि अंदर जो ल्यूमन बचता है बस इतना सा बचता है. दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू, ये ल्यूमन होता है, और ये सेल्स जो होती हैं ये डेड होती हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. तो उसी तरीके से अगर ये सेल्स भी हो जाती, ये फ्लूइड नहीं होता तो ये सॉलिड होता, गैस तो हो नहीं सकता था, मतलब फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों हो जाएगा, सॉरी. तो ये सॉलिड हो जाता, फ्लूइड नहीं होता, सॉलिड होता तो एक डेड सेल हो जाती. तो लिविंग रहने के लिए इसका लिविंग लिक्विड कॉम्पोनेंट होना ज़रूरी है. तो साइटोसोल हो गया. साइटोसोल के बाद दूसरे कॉम्पोनेंट्स क्या थे, सेल ऑर्गेनेलेज. तो दे आर मेनी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल, दे आर मेनी सेल ऑर्गेनेलेज जो कि मिलकर पूरे के पूरे सेल को फंक्शनल बनाती हैं. यानी कि बेसिकली सेल अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो इट इज़ परफॉर्मिंग इट बिकॉज ऑफ द इन सेल ऑर्गेनेलेज के अवेलेबल होने की वजह से. तो ये सेल ऑर्गेनेलेज क्या क्या हो सकते हैं, ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है. गिव मी द नेम ऑफ एज मेनी एज यू रिमेंबर. राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER कहते हैं, जो कि कितने टाइप के होते हैं, यस, स्मूथ एंड रफ. देन वी हैव, यस वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, सही है, यस वी हैव लाइसोसोम, वी हैव गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स, वी हैव लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स. लेकिन इसमें कुछ आप ऐसा बोल गए जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती हैं या सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स. प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, एनीथिंग एल्स, कुछ छूट रहा है. बुक पलटने से क्या होगा, हद है. आपको अगर याद आ रहा है तो ठीक है, वरना व्हील स्टडी ओनली, एनी वेज व्हील स्टडी. वाह क्या दिमाग लगा ये लड़की, न्यूक्लियस कैसे भूल सकते हैं आप सब, बिना ब्रेन के काम करोगे. सो दीज आर द बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स दैट यही पढ़ेंगे हम लोग, होते हैं दे और दे अदर ऑल्सो. सेल इंक्लूजन्स में अभी आप पढ़ेंगे, फिर सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल इज स्पेसिफिक टू एनिमल सेल, पर ये सीनियर क्लासेस में आप थोड़ा पढ़ेंगे. सेंट्रियोल का बेसिक मैं आपको बता दूंगी. तो दे आर सेवरल सेल ऑर्गेनेल्स जो कि एक सेल को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, उसको फंक्शनल बनाती हैं. सो द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट वी विल स्टार्ट विद इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सुना है इसके बारे में कभी, क्या करता है, हैं बक, वो तो मजबूरी होती है इनकी. मैं बताती हूँ आपको, आपको याद होगा अभी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको न्यूक्लियर पोर के बारे में बताया था, और ये बताया था कि जो ये न्यूक्लियर धोखेबाज न्यूक्लियर पोर होते हैं, इनमें से एक पोर को सेल का एक स्मार्ट मेंबर कवर कर लेता है. वो स्मार्ट मेंबर यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के किसी पोर से कनेक्टेड होता है. तो सबसे, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वील स्टार्ट विथ न्यूक्लियस का वॉल, क्योंकि वहीं से ये जुड़ा होगा ना. तो सपोज आई हैव अ सेल जिसके न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि यहाँ से एक पोर कैरी कर रहा था. ये अंदर न्यूक्लियस का कंटेंट होगा, ये आप इमेजिन कर लेना. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, these are tubules like structure. Nucleus का एक और function मैंने आपको बताया था, nucleolus का क्या था बताओ, कुछ factory था क्या, protein factory होता है nucleolus, mark हो, yes ribosome factory होता है, very good. Yes, ribosomes are further called as a protein factory. खैर, तो ये हो गए आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर. अब क्या होता है, इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं न्यूक्लियोलस भी होगा,
वो क्या बनाता है, वो राइबोसोम्स इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर निकलते हैं. सेल से कम्युनिकेट कौन करते हैं, ये पोर्स. तो क्या होता है जब राइबोसोम्स रिलीज हो रहे होते हैं, तो हर एक पोर से जाएंगे, उनको थोड़ी ना पता कि मुझे कौन से पोर से निकलना है. तो जहाँ से भी स्पेस मिलेगा दे विल फ्री आउट. सो व्हाट हैपेंस, जिस पोर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड रहता है उसके स्टार्टिंग के ट्यूब्यूल्स पे ये राइबोसोम्स आकर चिपक जाते हैं. दे कम एंड स्टिक ओवर दीज स्ट्रक्चर. बहुत पढ़ लियो श्रुति तुम तो. सो दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, तो अगर राइबोसोम्स आ गए इनके ऊपर, चलो मैंने माना कि ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है ये तो तुम गलत नहीं बता रहे हो, पर इन पे तो राइबोसोम्स नहीं आए. तो जस्ट अब सपोज वो वाला मेरे हाथ में एक माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक. अब जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो थ्रू सम वेरी माइक्रोस्कोपिक नीडल या समथिंग मैं उसको टच करती हूँ, और टच करने में मुझे फील ग्रिटी कहाँ फील होगा, ग्रिटी यानी कि रफ सा सरफेस कहाँ फील होगा, जो स्मूथ नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई चीज़ें होंगी. तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे राइबोसोम्स आके लगते हैं, इन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ बस इसलिए क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स को किसने कवर कर लिया, राइबोसोम्स ने. ये तो स्मूथ थे तो स्मूथ रहेंगे भी टच करने में, तो ये हो जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये जो फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे या सिस्टर. नहीं, कंफर्म कर लो. बोलो क्रिस्टे ही होता है या सिस्टर नहीं होता है. एक्चुअली दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, पर जो क्रिस्टे है दैट इज द पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अभी आप आगे पढ़ेंगे. तो ये जो होता है दैट इज सिस्टर नहीं. ये जो टर्न्स हैं, ठीक. हाँ, अब ये जो कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं, हाँ, तो इसमें दो स्ट्रक्चर्स और आते हैं, दैट आर ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. दीज टू स्ट्रक्चर्स कंबाइन टू मेक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस इज ऑल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें अब आपको क्या लगता है इसका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रक्चर देखे कुछ लगा सकते हो अंदाजा कि इसका फंक्शन क्या होता होगा. एनीथिंग. राइबोसोम्स आर मेड टू फ्रीली फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म. वो तो इनका भाग्य ऐसा था कि इनको आगे मिल गया एक ऐसा सांप जैसा कुछ जिसपे उनको जाने का रास्ता नहीं मिला, तो वो चिपक गए, जिसकी वजह से वो रफ हो गया, नीचे वाला स्मूथ हो गया. तो खैर, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना कुछ सेट ऑफ फंक्शन होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने सेट ऑफ फंक्शन होते हैं. ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेजिंग और स्टोरेज का काम करती है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ गॉल्गी अपैरेटस. वो आप देखेंगे. सो वॉट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ गॉल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट फॉर्म्स, पहले बात, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, सेल अगर ये होगा तो ये कहीं न्यूक्लियस, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस ऐसे निकल रहा होगा इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कहीं ना कहीं ये फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प कर रहा है ना. मतलब इतना स्ट्रक्चर जब ऑक्यूपाई कर लेगा तो हमें पता है कि सेल इस लेवल पे तो आके इस तरह से श्रिंक नहीं होगी. कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क बनाया, ये बनाया ना अ काइंड ऑफ स्केलेटन. तो पहला फंक्शन हो जाता है दिस फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. ये ईआर की बात कर रहे हैं हम, स्मूथ या रफ की नहीं, ठीक. फ्रेमवर्क बनाने का मतलब समझ में आया, एक शेप. हाँ, इसके ये ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा साइज में, वैसे वैसे सेल की भी तो वो शेप की मेंटेनेंस होती जाएगी, एक फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा. सो दिस फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ सेल, पहली चीज़ हो गई. द सेकेंड फंक्शन इज इट्स लार्ज सर्फेस एरिया इन साइड द सेल इज द साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. इसका सर्फेस एरिया बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लास्ट टाइम हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो आपको याद था स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कैन गो अप टू 7.5 meters. तो वो किस वजह से ऐसा हो रहा था, एक हो सकता था कि इंटेस्टाइन ऐसी हो जाती, पर हमारी इंटेस्टाइन थी कैसी, इस तरीके की, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे इनको हम विलाई कह रहे थे. और इनके होने का पर्पज़ क्या था, सिर्फ स्पेस
नहीं, सरफेस एब्जॉर्प्शन होना था ना, तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाना। तो यहाँ पे वैसी कोई चीज़ हो रही है, ये स्ट्रक्चर्स अगर आप देख रहे हैं जो ये सिस्टम नहीं है, वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स, ये कहीं ना कहीं कर्व सर्फेस एरिया दे रहे हैं ना। तो अगर ये स्ट्रेट इस तरीके से आता, सपोज ये न्यूक्लियस, ये ऐसा साइड एंडोसाइटिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कितना स्पेस सर्फेस एरिया ऑक्यूपाई करता? नहीं करता। तो ये जो एक्सटेंसिव नेटवर्क बना, इससे क्या हुआ, सर्फेस एरिया बढ़ गई। अब ये जो सर्फेस एरिया बढ़ी, ये किस लिए फंक्शन करेगी, सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होनी है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब पता है, एनी एक्टिविटी जो कि हमारे लाइफ को रन करने में, कोई भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस, चाहे हमारा डाइजेशन हो, चाहे इट इज़ रेस्पायरेशन, या प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस, या वॉट सो एवर काइंड ऑफ बेसिक बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी को रन कर रही है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। आप ये सब सीनियर क्लास में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होनी है, उनको होने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन, इट हेल्प्स टू कीप वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स इन पोजिशन। ये चीज़ इसी से डिराइव हो रही है, फ्रेमवर्क से। ये इस पूरा का पूरा सेल इतना स्पेस ऑक्यूपाई हो कर ले रहा था ना, तो जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो अपने अपने जगह पर रहेंगे, क्योंकि वो इस जगह आ नहीं सकते, और दूसरी जगह भी कोई ना कोई होगा। तो कहीं ना कहीं मेजर रोल ये प्ले कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स को अपनी अपनी जगह मेंटेन करवाने के लिए। तो इसी के आगे आप कह सकते हैं, हेल्प्स अदर सेल ऑर्गेनेल्स टू मेंटेन देयर प्लेस। ठीक है, इतना समझ में आया। देन वी हैव द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज इट एक्ट्स एज द पाथवे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ये एक पाथवे, एक रास्ते की तरह एक्ट करता है, जिसमें जो भी सेल के अंदर की चीज़ें हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह, विद इन द सेल, सेल के बाहर नहीं, विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि इसका कनेक्शन तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट द सेल है, साइटोप्लाज्म के थ्रू सारे सेल ऑर्गेनेल्स का मूव कर पाना भी इजिली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत थिन भी नहीं है, इट इज़ अ लिटिल विस्कस। तो ये क्या करता है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करता है अपने स्ट्रक्चर की वजह से। बस अभी तक हम SER या RER को डिफ्रेंशिएट करके नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि विद इन द बाउंड्री ऑफ द सेल, इट हेल्प्स टू ट्रांसफर वन थिंग टू द अदर प्लेस। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन इज इट इज एसोसिएटेड विथ स्टोरेज, जो मैंने आपको बेसिकली बताया था। सो इट इज एसोसिएटेड विथ सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वही होंगे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी के डेवलपमेंट, ग्रोथ और वेलबींग के लिए होते हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं। तो उसमें से अगर हम इसकी बात करें डाइजेशन के मेटाबॉलिक रिएक्शन की, तो व्हाट वी गेट, वी गेट लिपिड्स, वी गेट फैट्स, वी गेट प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हुए। तो इन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज एंड स्टोर करने में हेल्प करता है, किसको, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स क्या हुए, प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा। समझ में आ रहा है। देन वी हैव द नेक्स्ट फंक्शन, सम सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ RER बाई राइबोसोम्स, वेयर एज लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर्स इन SER। अब हम जो डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन SER एंड RER। तो सिंथेसिस तो करेगा, अभी हमने पढ़ा कि ये सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस का मतलब चीज़ें बनाना, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था ना, लाइट को यूज करके खाना बनाना वॉज फोटोसिंथेसिस। तो सिंथेसिस टर्म जहाँ पर भी आएगा, इट मीन्स फॉर्मेशन। तो RER के ऊपर क्या है, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स किसकी फैक्ट्री होती हैं, प्रोटीन की। तो राइबोसोम्स वहाँ पे क्या सिंथेसाइज करेंगे, वेरी गुड, राइबोसोम्स विल सिंथेसाइज प्रोटीन, वेयर एज SER के ऊपर तो राइबोसोम्स नहीं है, पर सिंथेसिस तो ये भी करेंगे, ये क्या सिंथेसाइज करेंगे, दे विल सिंथेसाइज स्टेरॉल्स एंड um
स्टेरॉइड्स, बस स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स आर हॉर्मोन्स, ठीक, अ डिफरेंट काइंड ऑफ हम हार्मोनल स्ट्रक्चर अभी आप फिर से सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हमारे पूरी बॉडी में, जो कंट्रोल हो रही है हमारा नींद आना, भूख लगने पे एक अजीब सा रिएक्शन आना पेट में जिससे हमें रियलाइज होता है कि भूख लग रही है, और रिप्रोडक्शन में जो सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है, ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. सो स्टेरॉइड्स आर अ काइंड ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है. इसके बाद देन वी हैव द नेक्स्ट फंक्शन, सम ऑफ द सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन बिल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. जो प्रोटीन्स ये बना रहे हैं, इनके कुछ प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज प्रोटीन्स हैं, सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ये फर्दर हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद है, सेल मेम्ब्रेन. अब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहे हैं, बिकॉज दे आर हेल्पिंग दी बेसिक सेल स्ट्रक्चर टू ग्रो. सो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सिंथेसिस ये करते हैं, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस या बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, ठीक. सो दिस इज डन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अलावा कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे कि कुछ सिंथेसाइज प्रोटीन्स और लिपिड्स एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं, जो ये सिंथेसिस कर रहे हैं चीज़ों की. इन्हीं में से कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स दे एक्ट एज हार्मोन्स. एंड देन वी हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर इन वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स मतलब वो एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम हो, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं. तो वर्टिब्रेट्स के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफाई मतलब टॉक्सिक्स मतलब हार्मफुल चीज़ें, डिटॉक्सिक मतलब उस हार्मफुल चीज़ को हटाना. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्टिब्रेट्स के लेवल में ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. वर्टिब्रेट्स के केस में, वर्टिब्रेट्स यानी कि वो ऑर्गेन, जैसे कि हम सब, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है ना, जितने भी आप एनिमल्स इमेजिन कर सकते जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम हो, वो सब वर्टिब्रेट्स. अभी आगे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इसी क्लास में, जो कि आपको और क्लियरली बताएगा वर्टिब्रेट्स के बारे में. सो वर्टिब्रेट्स के पास वी हैव ऑर्गन्स. तो देर इज एन ऑर्गन नेम लिवर, जानते होंगे आप, जानते हैं आप. जब भी आपने कुछ ऐसे केसेस सुने होंगे दैट द पीपल हु स्मोक और ड्रिंक टू मच, उनके लिवर इन्फेक्टेड होने की वजह से ही उनकी डेथ होती है. लिवर सबसे ज़्यादा हार्म होता है. तो क्योंकि होता क्या है, ऐसे केसेस में जितने भी नोज़ हमारा, हमारे पास जो ओपनिंग है एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने के लिए, एक नोज़ है एक माउथ है, तो जो भी टॉक्सिक्स जाते हैं इसी ट्रैक के थ्रू एंटर कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली व्हाट हैपन्स, ये जो टॉक्सिक्स हैं ये एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं हमारे लिवर के अंदर. लिवर, अभी आप कहेंगे ये तो लंग्स से कनेक्ट करता है, दे आर फर्दर, लिवर आपको याद होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, गॉल ब्लैडर वगैरह याद है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था. तो लिवर के अंदर ये क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से लिवर ग्रेजुअली सड़ने लगता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टॉक्सिन्स हमारे लिवर के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उन्हें ख़त्म भी किया जाए. उस ख़त्म करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन. और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है SER इन केस ऑफ लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है. समझ में आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नहीं, आपको एक चीज़ और बता दूँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये आपका टास्क अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. अगर हम क्लियर, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, अभी हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में किया था, वी स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर, वी गो ऑन फॉर्मेशन एंड एंड एट फंक्शन. जब भी हम किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किससे बन रहा है उसकी बात करते हैं, और फिर फंक्शन पे आके खत्म करते हैं. स्ट्रक्चर की अगर बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है तो इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन. अब कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, SER सिंथेसाइजेस स्टेरॉइड्स, ठीक है. इसके बाद सिंथेसिस हो गया. अब ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये भी हमारे फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं. तो स्टोरेज का काम तो दोनों करते हैं, पर डिफरेंस कहाँ होता है, जो RER है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम नहीं करता है, लेकिन स्मूथ ER डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है. स्टार्टिंग में एक डिफरेंस आप और मेंशन कर सकते हैं, रफ ER इज रफ इन स्ट्रक्चर, वेयर एज स्मूथ ER इज स्मूथ इन स्ट्रक्चर. तो आज का आपका टास्क होगा, अभी तक के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन पांच चीज़ों के फंक्शंस लेकर लाएंगे आप, ठीक है। सो थैंक यू।